सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आपका स्वागत है एक वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रम्मी वेल्थ ऐप के बारे में। अगर आप भी ये ऐप यूज़ कर रहे हैं और आपके ऐप में भी इस टाइप से प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी ऐप से रिलेटेड, कोई भी फ़ोन से रिलेटेड, कोई भी बैंक अकाउंट से रिलेटेड, UPI से रिलेटेड, पेटीएम से रिलेटेड, गूगल पे से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई भी दिक्कत आता है, तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम वहाँ से भी सॉल्व नहीं होती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले ऐप से आपको जाना है बैंक। ऐप से बैंक जाने के बाद में सेटिंग्स को करना है ओपन। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद में इस टाइप से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और ऐप मैनेजमेंट के ऑप्शन पर करना है। क्लिक करने के बाद में इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और ऐप को देख लेना है ऐप कहाँ पर है, और ऐप पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद में इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऊपर स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। स्टोरेज के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर क्लियर डेटा के ऑप्शन पर क्लिक करना है और डेटा कर लेना है। डेटा क्लियर करने के बाद में बैक जाना है। नीचे ही परमिशन के ऑप्शन पर क्लिक करके इनको देना है परमिशन। परमिशन देने के बाद में बैक जाना है, ऐप को करना है ओपन। ऐप को करना है ओपन, अकाउंट को करना है लॉगिन। अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम जो हो जाएगी सॉल्व। तो इस टाइप से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।